टॉफियां लेकर आए हैं। हुआ ये कि जब हम आ रहे थे तो हमारे घर के पड़ोस में रहती हैं मुनिया जी। अब मुनिया जी अपनी मम्मी से कह रही थी कि हमारे लिए टॉफियां ला के दीजिए और हमारा जन्मदिन है, तो वो टॉफियों का क्या करेंगी, वो दोस्तों को देंगी। स्कूल जाएंगी और स्कूल में दोस्तों को टॉफियां बांटेंगी। तो उनकी मम्मी ने पूछा, भाई स्कूल में तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने बताया 124 बच्चे हैं। तो उनकी मम्मी ने उनको टॉफियां ला के दे दी। और मुनिया जी की एक छोटी बहन भी है चुनिया जी, जो कक्षा 2 में पढ़ती हैं। तो वो बोली मैं गिनूंगी, और उन्होंने जल्दी से, जैसे इस तरीके से पैकेट था उनके घर में, उन्होंने पैकेट पलट दिया और पलट के, और जब गिनने लगी तो कैसे गिना पता है आपको? उन्होंने 10-10 की ढेरियां लगा दी। जरा आप लोग मेरी सहायता करिए उन्हीं की तरह लगाने में ढेरियां। चलिए लगाइए जरा। हाँ भाई, ज्यादा कम मत कर दीजिएगा ढेरी में किसी में, ठीक है? 124 लगानी है, ठीक है? कितने? 2 ढेरियां इसमें गिनी कितनी है? हाँ 10-10 करिएगा। ये 10 हो गई, 3 ढेरी। और आपकी ढेरियां धीरे लग रही हैं, हम लोग की ज्यादा तेज लग रही हैं। स्वामी जी गिनिए इसमें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गई। अच्छा ये 10 ही हो गई। अब 10 इधर नीचे लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है? आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 हो गई आपकी, ठीक है? और ये 10 ये हो गई। कितनी बन गई? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये बन गई। अब 2 ढेरी और लगाइए 10-10 की। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 1 मिनट गिनने दीजिए हमको। 4, 5, 5, 10 और ये हो गई 2, ये बन गई। और उसके बाद 4 अलग अलग रख दी गई, ठीक है? और ये बच गई टॉफियां, ये अलग कर दी गई। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 10 थी इनको गिना। 10 गिन के बताइए कितना हुआ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये 100 हो गई। और ये 2 अलग थी, ये कितनी हो गई? 20 ये हो गई। और 4 ये अलग हो गई, हो गई पूरी 124। तो अब बात बात में आपको ये भी बता दिया जाए कि 124 लिखा कैसे जाता है और कहाँ लिख के दिखाएंगे। देखिए वो देखिए एक ब्लैक बोर्ड पड़ा है उधर कोने में, है ना? इसको लेके आइए आप लोग, जाइए और जरा वहां से ब्लैक बोर्ड उठा के यहाँ लाइए, अच्छे से आपको हम बताएं, ठीक है? शाबाश, थोड़ा देर आगे करिए। आप देखिए कितनी थी पहले, पहली लाइन में 10 थी, 10-10 की, तो वो कितनी हो गई थी? 100, ठीक है? उसके बाद 2 ढेरी अलग हैं, ये हो गई 20, ठीक है? और क्या थी? 4 अलग थी, ये हो गई 4, ठीक है? 100, 20, 4। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 1, 2 और 4, ठीक है? इसको जरा हम मिटा दें, तब तक ठीक से दिखेगा। 124। तो इस संख्या जो आई हमारे पास, इसमें एक खास बात, एक कहानी है छिपी हुई। इसमें जो 4 वाली थी, यानी जो एक एक करके थी, तो वो हमने सबसे किनारे लिखी, और जो 20 वाली थी वो यहाँ, और 100 वाली इधर लिखी। तो इनको पढ़ने का एक नियम है, जो सबसे किनारे वाली है इसको बोलते हैं इकाई। एक वाली 4 थी तो ये इकाई की जगह आ गई, ये जो 20 वाली है, 20 वाली तो ये दूसरी जगह पे आ गई, ये हो गई दहाई, और 100 वाली अंत में आ गई, और सैकड़ा। तो इसको जरा पढ़िए आप लोग भी साथ में, ये क्या, ये इकाई दहाई सैकड़ा। अब अलग अलग पढ़िए, पहले ऋचा आप पढ़ेंगी, ये क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। और अब आप पढ़िए सौमित। इकाई दहाई सैकड़ा। हाँ अब आप लोग को याद हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। अच्छा अब आपसे हम पहले ऋचा से पूछते हैं, एक हम संख्या लिखते हैं 936 की। इसमें बताइए इकाई कौन सी है? 6 और दहाई कौन सी है? 3 और सैकड़ा 9। सैकड़े का मतलब 9 सैकड़े, 9 सैकड़े का मतलब एक सैकड़ा होता है 100 का, तो 9 सैकड़े 900 के हुए, ठीक है? अब आप सपनील, सोनील आप बताइए 777 में इकाई दहाई सैकड़ा कौन सा हुआ? ये इकाई, ये दहाई सैकड़ा। इसमें तीनों 7 हैं, 700 है, जरा जोर से बोलो आप, सैकड़ा 7 सैकड़े हैं मतलब 700, और ये 7 दहाई है मतलब 70, और 7 ही इकाई है मतलब 7 है,
जोर से बोलिए जरा, फिर से बताइए एक बार इसको। इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा याद आ गया सबको। देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इकाई, ये दहाई, ठीक, और ये सैकड़ा। ठीक, छोटी छोटा करके लिखा, सैकड़ा पूरा नहीं लिखा, बस ऐसे सह लिख दिया। ठीक है, अभी समझ आ गया सबको। अब हुआ ये कि 124 टॉफियां तो वो स्कूल में लेके गई, पर उस दिन उनके स्कूल में 111 बच्चे ही आए थे। 111 बच्चे आए तो कितनी बची होंगी? तो बचने के लिए उसने एक दो तीन करके टॉफियां नहीं गिनी। एक गणित का, किस गणित में किस तरीके से घटाते हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे उसके पास 124 टॉफियां थी, ठीक है। अब जैसे सड़कों में चलने का नियम होता है, किस तरफ सड़क में चलते हैं? बाईं तरफ। बाईं तरफ चलते हैं। इस तरीके से हमारी गणित के भी नियम होते हैं। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा जैसे हमने लिखा था, इसको दोबारा से लिख देते हैं। इकाई दहाई और सैकड़ा। अब जैसा हमने बताया कि कितने बच्चे आए थे, 111 बच्चे आए थे, तो 111 बच्चे इसमें से घटाने हैं, तभी तो हमें बचेंगे। कितनी ट्रॉफियां बची? तो 111 में भी इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखते हैं। ठीक है, ये अलट पलट नहीं कर देते कि दहाई के नीचे सैकड़ा कर दें या कुछ कर दें, उस तरीके से नहीं, नियम से चलेंगे, सही उत्तर मिलेगा हमको। तो ये उसके नीचे लकीर खींची और एक ही चिन्ह लगाया घटाने का। ठीक, अब ये चार है, यहाँ पे चार में से एक घटाएंगे, जैसे ये चार है इनमें से एक घटा दो, कितना बचा? तीन। तीन बचा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? तीन। तीन। अब ये दो है, दो में से एक घटाएंगे तो एक, एक बचेगा। ठीक, ये एक बचा, और एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? शून्य। शून्य। आप जोर से बोलिए, आपको समझ आ रहा ना? हाँ। आ रहा। अभी हम आपसे एक प्रश्न कराएंगे, यहाँ पे आके सवाल आपको करना पड़ेगा। ये शून्य बचा, तो उसके पास स्कूल में कितनी टॉफियां बची? 13। 13 टॉफियां बची, वो 13 लेके घर में आई। अब हम एक सवाल दे रहे हैं पहले सौमिल को। आके करेंगे आप एक सवाल, यहाँ पे आइए। 632 में से घटाइए 224, 200। इसमें आपने लाइन खींची, ठीक है। अब इसको कैसे घटाएंगे? दो में से चार, दो बड़ा है कि चार बड़ा है? चार। चार बड़ा है। अब छोटी चीज में से बड़ी चीज घटानी है तो क्या हो? मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और आपके घर में कोई मेहमान आ गया और दूध नहीं है घर में, तो क्या करते हैं? पड़ोसी से मांगते हैं। पड़ोसी से दूध ले आते हैं। भाई अच्छे बुरे समय में कौन काम आता है? पड़ोसी। पड़ोसी काम आता है ना। तो अब इनका दो का पड़ोसी कौन है? तीन। तीन है ना इनका पड़ोस, इस पड़ोस में तो तीन है ना, सैकड़ा तो दूर है, तो ये इस पड़ोसी से उधार ले लेंगे। इसको कहते हैं हासिल लगाना। अब इन्होंने ये दहाई के पास तो सब दहाई, तीन दहाई है, तो एक दहाई इनको दे देगा। तो एक दहाई होती है 10 संख्या की, तो इन्होंने जब एक दहाई इनको दी, यहां हो गया 12 और यहां पे दो रह गया, ठीक है ना, यहां पे दो रह गया और यहां पे हो गया 12, और 12 में से चार आप घटा दीजिए, 12 में से चार गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने बचे? 8 बचे ना। हाँ, तो इसके नीचे लिखिए 12 में से चार गए और यहां बचा था दो, दो में से दो गए शून्य और 6 में से दो गए चार, चार लिख दीजिए। और एक और बात खास ये है, जब आप कोई भी गणित में प्रश्न करें, कोई भी सवाल करें, तो उसमें चिन्ह पे जरूर ध्यान दीजिए कि चिन्ह जरूर लगाएं। अगर जोड़ने का तो जोड़ने का चिन्ह लगाइए, घटा रहे हैं तो घटाने का, ठीक है। अच्छा, ये आपका तो सवाल हमने हासिल वाला दे दिया, आप और भी हमें करके दिखाइएगा। अच्छा, एक बात और, जब हम आ रहे थे ना तो रस्ते में एक दुकान पड़ी और वो थी बिंदिया की दुकान। तो बिंदिया की दुकान में क्या बिकते हैं? दिए बिकते हैं। तो देखिए हम दिए लेके आए हैं और जरा हमें वहां जाके बताइए, दोनों जने जाइए आप लोग और बताइए वहां कितने दिए हैं, 10-10 की ढेरी में लगे हुए, 10 ऊपर 10, 10-10 की 10 ढेरी है, मतलब कितने हो गए? 100 हो गया। अच्छा, दूसरे खाने में कितने हैं?
दो, दो दजर्स की दो ढेरी है, कितने हुए? बीस। और आखिर में अंत में सात। तो सात इकाई ये दहाई और एक सैकड़ा, तो इसको अब जोड़ दें कितने दिए हुए। आइए इधर आइए, जोड़िए, सात दो और एक, और यहाँ जमा का निशान भी लगाइए, चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम 127 दिए वहां से खरीद के आए। अब बैठिए आप लोग। अब जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि हम टॉफियां लेकर आए हैं और टॉफियों से हम पढ़ाने लग गए, खाने को तो हमने दी नहीं है ना, ये तो गलत बात है, खाना भी को मिलनी चाहिए।